वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है वेरिफिकेशन होने में, सब कुछ बहुत ही सिंपल से तरीके से सीधा सीधा प्रोसेस बता देता हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है बिना स्किप किए। करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वॉल। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन, और वीडियो पसंद आए वीडियो को यस लाइक जरूर कर देना, चैनल को अभी कर दो सब्सक्राइब। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस के, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको मेरी मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही होगी। अब चलते हैं सीधा फेसबुक की एप्लीकेशन पे, क्योंकि प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होगा। तो यहां से आ जाते हैं फेसबुक के एप्लीकेशन पे। एंड फेसबुक डायरेक्ट ऐसा ऑप्शन नहीं देता है कि आप वेरीफाई करा लो, या तो आप फेसबुक के वेब पेज पे जाओ। एंड अगर एप्लीकेशन से आप वेरीफाई करना चाहते हो तो उसे प्रोसेस में बता देता हूँ क्या करना है आपको। यहाँ पे आपको राइट टॉप कॉर्नर पे थ्री लाइन दिख रही होंगी। जब जैसे आप फेसबुक के होम पेज पे होंगे तो राइट टॉप कॉर्नर पे आपको थ्री लाइन दिखेंगे, आपको इस पे टैप करना है। एंड इसके बाद आपको या तो यहाँ से सेटिंग्स में, या फिर आप ऐसा करो नीचे ड्रैग डाउन करो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा हेल्प एंड सपोर्ट का। ओके, हेल्प एंड सपोर्ट पे आपको टैप करना है। इसके बाद आपको जाना है हेल्प सेंटर पे। आप हेल्प सेंटर पे टैप करो एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है। आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा वेरिफिकेशन के लिए, आपको सिंपली इस पे सर्च करना है वेरिफिकेशन। आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हो, आप मेरी जो वीडियो है उसे दूसरे फोन में चला लो एंड उसके साथ साथ ये सारा प्रोसेस कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो मैं वो भी बता दूंगा कि आप हो कि नहीं हो। इसी के साथ साथ आपको फेसबुक ही बता देगा कि आपका अकाउंट जो है या आपका पेज जो है वो एलिजिबल है वेरिफिकेशन के लिए या नहीं है। ओके, यहाँ पे आपको पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा हाउ डू आई रिक्वेस्ट अ वेरीफाइड बैज ऑन फेसबुक। ये बैज जो होता है वो ब्लू ब्लू होता है, जो साइड में लगता है ना ब्लू कलर का एक बैज लगा रहता है, तो वो होता है। उसके लिए बोल रहे हैं यस, हमको इसी पे टैप करना है। एंड इसके बाद सारा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। द वेरीफाइड बैज मीन्स फेसबुक हैज कन्फर्म दैट द पेज और प्रोफाइल इज ऑथेंटिक प्रेजेंस ऑफ अ पब्लिक फिगर एंड अ ब्रांड इट रिप्रेजेंट, राइट। तो यहाँ पे यानी कि आपकी कन्फर्मेशन हो जाती है फेसबुक के एंड से कि भाई ये बिल्कुल वेरीफाई हो गया अकाउंट एंड बिल्कुल एक ब्रांड है या फिर एक सेलिब्रिटी की है या फिर एक पब्लिक फिगर की है। तो ओके, यहाँ पे हमें एक फॉर्म फिल करना है। वैसे सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए, यूनिक होनी चाहिए, मतलब क्राइटेरिया लिखा है पूरा, आप यहाँ पे पढ़ लेना। मैं अगर इसको पढ़ के आपको बताऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक वेरीफाई और प्रोफाइल और पेज, अगर आपका कोई पेज है आप उसे वेरीफाई करना चाहते हो या फिर आपकी प्रोफाइल उसे वेरीफाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाता है जो आपको भरना है। एंड मैं वो फॉर्म अकॉर्डिंगली भरूंगा, आप भी उसके साथ साथ उसे भर सकते हो। तो इस फॉर्म पे टैप करना है, यहाँ पे जो ब्लू सा लिंक दिखा था। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछे आप पेज को वेरीफाई करना चाहते हो या फिर प्रोफाइल को। मेरा कोई पेज नहीं है, मेरी प्रोफाइल है, तो मुझे प्रोफाइल पे टैप कर देना है। इसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है वो है कंफर्म योर ऑथेंटिसिटी। ओके यस, यहाँ पे आप एक अपना कोई भी आइडेंटिटी आपको यहाँ पे डालना है, आइदर इस ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल कोई भी आईडी, आधार कार्ड यहाँ पे नहीं चलेगा, टैक्स फिलिंग, रिसेंट यूटिलिटी बिल, जो भी आपका गैस का बिल होगा या फिर आपकी बिजली का बिल होगा, या फिर आर्टिकल इनकॉर्पोरेशन, ये तो मुझे भी नहीं पता क्या है, अगर आपको किसी को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। बाकी यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी डाल सकते हो, मैं ड्राइविंग लाइसेंस ही डाल देता हूँ अपना, फाइल चूज कर लेता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कन्फर्म योर नोटेबिलिटी, यानी कि आपको बताना है कि आप एक पब्लिक फिगर हो, सेलिब्रिटी हो, या एक ब्रांड है, या आपका जो पेज है वो एक ब्रांड है, या आप इस पर कोई ऐसी चीजें करते हो जो पब्लिक को अच्छा लगता है, यानी कि आप एंटरटेनमेंट करते हो, आपका खुद का बैंड है। तो ऐसी चीजें यहाँ पे आपको कन्फर्म करनी है कि किस पर्टिकुलर नीश में आपको इसको कन्फर्म करना है। फैशन, म्यूजिक, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, क्या है आपका, क्रिकेटर हो या फिर कोई एंटरटेनर हो या गेमर हो, कुछ भी। तो यहाँ पे आप कोई भी एक चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ डिजिटल क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कंट्री भरनी है, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे आप, मैं इंडिया डाल देता हूँ, आई एम इंडियन, प्राउड इंडियन। ओके, अब यहाँ पे आपको डालनी है कि आपकी कौन सी ऑडियंस है। जो नेक्स्ट स्टेप दिख रहा होगा डिस्क्राइब द पीपल हु फॉलो योर पेज एंड पब्लिक, कि आपकी जो ऑडियंस है वो क्या है, यानी कि आपको किसी कॉमेडी की वजह से फॉलो करती है या आपका कोई ब्रांड है उसकी वजह से आपको फॉलो करती है। वैसे ऑप्शनल है, आपको भरना है तो भर देना कि भाई मेरी ऑडियंस जो है वो मुझसे इन्फ्लुएंस होती है, मैं एक ब्रांड हूँ या मेरा एक बैंड है या मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ तो मुझे इन्फ्लुएंस होती है मेरे फैशन से रिलेटेड या मेरे सॉन्ग से रिलेटेड। आप कुछ भी इसमें भर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। ओके, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल्सो नॉन एज, यानी कि आपका और कोई नाम हो जिससे आप जाने जाते हो, तो यहाँ पे मैं भर देता हूँ राज। ओके, एंड अब आपको यहाँ पे पांच लिंक डालने हैं। आप किसी आर्टिकल में आए हैं, आपका किसी न्यूज़पेपर में नाम आया है, आपका कोई
कोई ब्लॉग है या आपका कोई वीडियो जो बहुत वायरल हुआ है, आपका कोई पेज है, मतलब किस तरह से आपको पब्लिक जानती है, वो तरीके आपको यहाँ पे उनके लिंक डालने हैं। तो मैं यहाँ पे पांचों लिंक भर देता हूँ। तो यहाँ पे पांच लिंक आपको डालने के लिए बोलेगा, आप पांच में से तीन डाल सकते हो, दो डाल सकते हो, एक डाल सकते हो, अगर वो काफी फेमस है तो एक भी चल जाएगा, वरना आप यहाँ पे लिंक डाल सकते हो वैसे तो ये भी ऑप्शनल है। एंड अब आपको सिंपली इस फॉर्म को कर देना है सेंड। ओके, यहाँ से सेंड हो गया। एंड आप बैक आ जाते हैं, यहाँ पे आपके फेसबुक अकाउंट पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आप एलिजिबल हो या नहीं है। एंड वो आ जाएगा आपको सिंपली 24 टू 48 आवर्स के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो एलिजिबल है या नहीं है वेरीफाई होने के लिए। यही प्रोसेस है, आपको सिंपली इसी फॉर्म को भरना है, बस आपको अपना अकाउंट ग्रो कराना है। एंड अगर आप एक पब्लिक फिगर हो, एक पॉलिटिशियन हो, एक सेलिब्रिटी हो या आप एक इन्फ्लुएंसर हो, तो डेफिनेटली आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। यही प्रोसेस है, आई होप आपको पता चल गया होगा कैसे करना है। और उसी के साथ साथ आई होप आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। इफ यस, गिव इट अ थम्स अप। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।